बाल कृष्ण भगवान की जय। अब विषय हुआ कि भगवान जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, भगवान की पूजा कैसे करें। किसी भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज हम व्रत तो करते हैं मगर व्रत का फल क्या है, किस लिए हम क्यों व्रत करें। तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन आया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान के प्रति जिसकी जैसी भावना होगी भगवान उसको वैसा ही फल देंगे। तो कहने का तात्पर्य है जो भक्त जिस कामना से भगवान का व्रत करेगा परम पिता परमेश्वर श्री बाल कृष्ण भगवान उसकी वही कामना पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी का जो व्रत करता है भक्त, भगवान प्रथम बात तो उसको भक्ति प्रदान करते हैं, वह हमेशा भगवान की उसको स्मृति बनी रहती है। और दूसरा विषय उसके घर में संतान का अभाव नहीं होता, भगवत कृपा से उसको शीघ्र ही अगर संतान नहीं तो संतान प्राप्त होती है, अगर संतान है भी तो सुयोग्य बनती है, सुपात्र बनती है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत करने से प्रभु की भक्ति एवं संतान सुख प्राप्त होता है। और जो भक्त की कामना होती है वही भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। इसलिए हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और उसका इस प्रकार से फल का विधान है। और भी अनेक भी फलों का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, मुख्य रूप से यही भगवान का कि बाल कृष्ण की छवि भगवान का जो दर्शन करता है उनका व्रत करता है उनके घर में हमेशा नंदोत्सव होता रहता है और प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।